हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम आए हैं पटनी टॉप। तो पटनी टॉप में एक नई जगह खुली है, काफ़ी टाइम हो गया, लगभग एक ईयर से ज़्यादा हो गया है। तो स्काई व्यू पटनी टॉप, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हाईएस्ट रोप है इंडिया का, और काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं जो करने के लिए है, जो पहले जम्मू में नहीं थी। तो अब जम्मू जाके डेवलप हो रहा है, तो स्काई व्यू पटनी टॉप खुला रहता है सिर्फ सैटरडे संडे को। तो आप अगर यहाँ आते हो, यहाँ पे जिप लाइन है, यहाँ पे रोप वे है, गंडोला है, मैजिक कारपेट है, और बहुत सारी चीज़ें, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, और इंडिया का हाईएस्ट रोप वे जम्मू एंड कश्मीर में है। मेरे को भी अभी तक नहीं पता था, तो कल जाके मैंने चेक किया और तब जाके मेरे को पता चला कि इंडिया का हाईएस्ट रोप वे भी जम्मू कश्मीर में ही है। तो आज हम आए यहीं घूमने के लिए। तो आज हम जिप लाइन भी करेंगे, जितना हो सकता है हमसे हम कवर करने की ट्राई करेंगे। तो काफ़ी लड़के आए आज मेरे साथ, एंड अगर आप फ्री हो तो आप आ सकते हो। आपको जैसे पता ही है कि कैसा वेदर रहता है, बहुत ऑसम वेदर है यहाँ पे। अभी भी ठंड काफ़ी है, तो अभी जम्मू में इतनी ठंड नहीं है, मगर यहाँ बहुत ठंड है, जो रहती है ठंड। तो अगर आप फ्री हो आप आ सकते हो, घूम सकते हो यहाँ। एंड इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब। तो अब जाके हम पहुँचे हैं स्काई व्यू पटनी टॉप। तो अभी सारे हम मेरे साथ जो लड़के हैं वो सारे अंदर हैं, या रोहित सागर सारे अंदर है। तो इनका रेट काफ़ी जेन्युइन है, ऐसा नहीं है बहुत हाई है, बट एक चीज़ मैंने देखी जो अलग है वो है हाइजीनिक। जब से मैं आया हूँ तब से कंटिन्यू ये सैनिटाइजिंग करते जा रहे, तब से देख रहा हूँ दो या तीन लड़के लगे हुए हैं जो सैनिटाइजेशन करते जा रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। कोरोना है तो सब डरते हैं आने को, बट यही चीज़ इनकी सही है कि यहाँ पे सैनिटाइजेशन प्रॉपरली चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बस अभी हम आपको, मैं लड़के से मिलाऊंगा जो बताएगा रेट वगैरह क्या है यहाँ सारा। तो साहिल बोरा मैं हूँ, वो लड़का तू नहीं है यार, वो दूसरा है। तो अभी वहाँ पे जाएंगे इस लड़के के पास, वो बताएगा हमें कि क्या क्या प्राइजेस है, क्या है सब कुछ। तो ये रहे भैया, ये बताएंगे हमें कि क्या क्या चल रहा है यहाँ, कैसे चल रहा है, कब कब ओपन होता है। भैया क्या प्राइस क्या है गंडोला जो है? मैं आपको फर्स्टली डिटेल बताता हूँ, ये इंडिया का हाईएस्ट रोपवे है फ्रॉम ग्राउंड। इसकी लेंथ है जो कि 2.8 किलोमीटर है वन साइडेड, जिसमें कि 10 से 15 मिनट आपको यहाँ से नीचे जाने को लगते हैं। तो इसका जो रेट है सर, ये है ट्रिपल लाइन प्लस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सीज, वो जाता है 1180 पर पर्सन। उसमें हम इनॉगरल ऑफर दे रहे हैं 30% डिस्काउंट करके, वो 825 पर पर्सन पड़ जाता है। और यहाँ पर हमारे पास रोपवे है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, जिप लाइन है जो कि इंडिया की फर्स्ट जिगजैग जिप लाइन है। अभी तक हमने कवर कर लिया तो 10 मिनट अभी तक हमने कवर कर लिए, तब से बैठे अभी 5-7 मिनट। टर्मिनल वो है शायद से दिख रहा है मेरे को यहाँ से, पर पास में ये पहुँचना। कैसा फील हो रहा है आपको इंडिया के हाईएस्ट रोपवे में चढ़ के? बहुत बढ़िया फील हो रहा है, और इसी बीच किसी का फ़ोन आ गया जो हमें नहीं उठाना है, तो ये फ़ोन कैंसिल करेंगे। हाँ, और सच बोलना अभी क्या क्या फट रही है? बहुत कुछ। मज़ा आ रहा है? मज़ा तो आ रहा है, मगर हाइट बहुत है, अगर गलती से गिर गए ना, कसम से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेगा यार, एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। मिलेगा कुछ? बच जाएंगे। सोनू है ना हमारे साथ। सोनू कहाँ बचाएगा यार, उसकी खुद की फटी हुई है, उसकी हालत देखना यार। ये देखो कुछ नहीं, ये बोल रहा है कब हम पहुँचे वापस। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप कुछ कहना चाहते हो गंडोला में बैठे इस राइड को लेके? कुछ नहीं, मजा आ रहा है आपको? यस। अभी वापस भी सोनू, हमने यहीं से आना है। आई नो,
इसकी फट्टी बड़ी हुई तो इसको सब पता है, इसको बुक नहीं है, बस एक ही दो चुकी है। ये कोई पहली राइड नहीं है, पहली राइड नहीं है। फिर कितनी राइड की है तूने अभी तक? 100-150? 3-4। घर पे लिफ्ट है ना इसके? घर की लिफ्ट में ऊपर नीचे करता है, ऊपर नीचे करता है ना, सेम ही है ये, खाली हाइट ज्यादा है। यहाँ पे गेमिंग एक्टिविटीज़ और सब होता है। यहाँ पे मैजिक कारपेट है, जिप लाइन है, ट्यूबिंग है, तो ये सब होते हैं। तो हमारे को अभी भैया मिले हैं, तो भैया बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है, कैसे होता है, तो क्या प्राइस क्या है, वो सब। भैया क्या है यहाँ पे? यहाँ से आपका एडवेंचर एक्टिविटी शुरू होंगी, जो इंडिया का फर्स्ट जिग-जैग जिप लाइन है, जो आप ऊपर देख सकते हैं, 590 मीटर का है जिप लाइन। इसमें क्या रहेगा, पहले आपकी ट्रेनिंग होगी दो पोलो में, देन आपने खुद से करना है इसको। कैसी कमांडो ट्रेनिंग रहती है? कमांडो ट्रेनिंग, हमारी एडवेंचर टीम आपकी ट्रेनिंग करेगी, देन आपने खुद से करना है इसको। एक पोल से दूसरे पोल पे खुद से हालने चेंज करनी खुद से, ये सबसे बड़ा एडवेंचर है। टफ लगेगा आपको, लेकिन जब आप करोगे तो आप बाद में इजी, जब आपको लगेगा खुशी मिलेगी आपको। प्राइस वगैरह क्या है इस सबका? इसका अभी 700 चल रहा है, ऐसे 749 है, लेकिन डिस्काउंट करके 18% GST भी ऐड होगा। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे अंदर, एक्टिविटीज़ करेंगे जो जो हम कर सकते, जितना कवर कर सकते आज करेंगे। अभी सही रहा, बहुत ऑसम वेदर है, सूरज भी निकला हुआ है, धूप भी अच्छी है, सब सही है। मैजिक कारपेट वाला हमने कर लिया, अब करना है हमने जिप लाइन, मगर इतनी बड़ी जिप लाइन लग नहीं रही है जितनी होनी चाहिए थी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही दिख रहा है। अच्छा, ये प्रैक्टिस वाला है। ओके, तो ये प्रैक्टिस वाला था, मगर हम है ही वो, हम ऑलरेडी टैलेंटेड है, हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कमांडो ट्रेनिंग पकड़ी है, बचपन से कमांडो है। तो इधर प्रैक्टिस करनी है, इस प्रैक्टिस के बाद फिर जो मेन है तो ये भी है, कैमरा कॉन्शियस ये भी नहीं आता वीडियो में, पता नहीं क्यों। तो फिलहाल प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बाद फिर हम मेन जगह जाएंगे जहाँ पे सिप्लाई करनी है। लेफ्ट से पकड़ना, लेफ्ट से, लेफ्ट से। होगा कैसे यार, बहुत टफ है यार, साहिल फंस गया, सोनू को पता नहीं चल रहा है, सोनू तब से फंसा हुआ है, वो देख। भाई तू चल चल राजा, सब पता चल जाएगा, जा दोनों के बाद वापस ही चला जा। Thank you.
था, दो तीन बार बजा भी मैं कहीं, बट ये चीज़ है कि लाइफ में एक टाइम ये एक्सपीरियंस करना ज़रूरी होता है। मज़ा तो आया ना? मज़ा आया, दोबारा भी करेंगे, ये इतना कर लिया आप तो कर ही सकते हैं, इतनी तो हिम्मत बना दी है। ये भी इंडिया का पहला, तेरे को पहला है वो zigzag? ये इंडिया का पहला zigzag वाला है zip line, तो इंडिया में कहीं नहीं, फर्स्ट है। और सबसे हाईएस्ट जो है गंडोला है वो यहीं, ये रोपवे जो है यहीं पे है। तो अगर आप घर पे बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, फ्री हो, सैटरडे संडे या वीकेंड्स पे खुला होता है, सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, तो आप कभी भी आ सकते हो यहाँ पे, इन्जॉय कर सकते हो। दो दिन जो वीकेंड के हैं उससे ज़्यादा इन्जॉय आप यहाँ आके कर सकते हो। जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, डिफरेंट जगह में घूमा, बट ये जो जगह है सबसे बेस्ट थी, और ऐसा एक्सपीरियंस डेली नहीं मिलता। तो फ्री हो तो करूँगा। ये हमारी टीम है, टीम मेम्बर, भैया जो यहाँ पे बताते हैं, कैमरा मैन। तो अभी भक्ति कर रहा है ट्यूबिंग, जो इधर ऊपर से स्लाइड होके नीचे की ओर आता है। तो एक ही बंदा कर रहा है, हमें ज़्यादा को करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे। तो अभी भक्ति करने वाला है, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। अभी हम रेस्टोरेंट भी होके आए, तो मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा इसमें, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके, तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत ही फ़ोटो चढ़ाई है। तो अभी हमारा हो गया ख़त्म, हमने सारा कुछ जो था यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, जो अभी रिसेंटली चल रहा है, जो खाली सैटरडे संडे को चल रहा है, वो सारा कवर कर लिया है। तो अभी हमने वापस जाना है, फिर से गंडोला में बैठना है, क्योंकि ये नीचे वाला टर्मिनल है, हम ऊपर से आए और हमारी गाड़ी ऊपर है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से देखते हैं, बैठेंगे कहीं, कुछ खा लेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे घर। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था टू बी ऑनेस्ट। जो जिप लाइन थी उसमें तो बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत ज़बरदस्त था वो भी। तो फिलहाल बैठते इसमें, तो देखते आगे अगर कुछ और होता है देखने के लिए या करने के लिए, तो आपको वो भी दिखा। डन, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा आज पूरे दिन का। तो अभी हम बस निकल रहे हैं घर की ओर, थोड़ा रास्ते में खाना खा के फिर निकल जाएंगे। तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। तो सैटरडे संडे को ओपन होता है ये, सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो अगर आप फ्री हो और वीकेंड्स पे कहीं जगह ढूंढ रहे हो कहीं घूमने का, तो ये बेस्ट प्लेस है आने के लिए। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, तो मिलेंगे गाइज अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सो इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, please subscribe.